नाश्ता शुरू कीजिए ना। लो आ गई रिया। रिया बेटा, ये तुम्हारे दिल्ली वाले मामा जी है ना, उनके दोस्त शर्मांकर। हेलो अश्विन। अब बहुत बिजी रहती है, प्रोडक्ट मैनेजर है ना एमएनसी में। बेटा चाय पियोगे? जी जी आंटी, जरूर पियेंगे। अब मैं जरा अंदर देख कर आती हूँ। जी बेटा, कभी ना कभी तो शादी करनी है। मुझे शादी नहीं करनी। क्यों क्यों शादी नहीं करनी? आज बता ये देख कि तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी। बेटा इस गरम गरम चाय से है ना उनका दिल जीत लेना। मेरे दिल का क्या माँ? बेटा बहुत अच्छे लोग हैं, दहेज वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं। अब फटाफट चाय लेकर वहां जाना, ठीक है? माँ बेटा क्या चाय है? बिल्कुल वैसी जैसी हमें पसंद है। बहन जी हमें भी तो बताइए क्या राज है इसकी चाय का। अरे वो तो बस राज है ना। हमें भी बताओ बेटी। पहले तेज आंच में अपने सपनों को उबलने दीजिए, फिर जैसे आपके सपने बड़े हो जाए ना, तुरंत 3 चम्मच शादी का प्रेशर डाल दीजिए, चाय पत्ती, और फिर उनको सेटल होने दीजिए। सेटलमेंट भी तो जरूरी है ना? और जैसे सेटल हो जाए ना, कम आंच पर परिवार और समाज की उम्मीदों को खोलने दीजिए, थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट और 1 चम्मच आदर्शवादी छवि, चीनी वो डालिए, क्योंकि मिठास के बिना तो चाय में मजा आएगा ही नहीं। बस बन गई चाय। रिया ये तुम क्या बोल रही हो? तो क्या घर में बैठी रहोगी? सॉरी अदरक तो मैं भूल ही गई। अदरक की तरह थोड़े से ताने, थोड़ी सी कड़वाहट होती है, लेकिन धीरे धीरे ना इस कड़वाहट की आदत पड़ जाती है। देखिए बात दरअसल ये है कि जिस तरह इन इंग्रेडिएंट से चाय के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है ना, उसी तरह मैं भी अपने सपनों को उबाल देना चाहती हूँ, अपने सपनों को बड़ा होने देना चाहती हूँ, ताकि मेरी पहचान ना मेरे काम से हो, सिर्फ एक चाय से नहीं। तो क्या आप ये चाय पी पाएंगे? I understand. Please. Don't worry. Thank you. हमारे सपनों की उड़ान ही हमारी असली पहचान है।